मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर जहां शासन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है, वहीं कोरोना से निपटने के लिए राजगढ़ जिला प्रशासन ने अहम तैयारी की है, जिसके चलते जिला मुख्यालय पर एक ऐसी मशीन उपलब्ध कराई गई है जहां एक दिन में 20 से ज्यादा लोगों के सैंपलों की जाँच की जा सकेगी। COVID-19 मशीन केंद्र सांसद रोडमल नागर ने फीता काट कर शुभारम्भ किया। राजगढ़ में मिशन स्थापित किए जाने के बाद अब संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल की जांच हो सकेगी, जिससे जहां समय और धन की बर्बादी रुकेगी, वहीं जल्द ही मरीज की रिपोर्ट आने से उसे सही उपचार दिया जा सकेगा। अब हमें कहीं टेस्ट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर अपन सैंपल ले लेंगे और यहीं पर एक दिन में 20 टेस्ट रोजाना हो जाएंगे, तो हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जिले से बाहर जो सैंपल भेजने पड़ते थे, अब यहीं पर जो है वो टेस्ट हो जाएगा। नेट मशीन है और PCR टेक्निक है इसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। इसमें 0.001% यदि वायरस है तो पकड़ में तुरंत आएगा और 100% इसके रिजल्ट एक्यूरेसी है और बहुत स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है। और इसको हमने कल आई है और इसका उपयोग करके निश्चित हमें लाभ होगा और आना जाना बचेगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए राजगढ़ से सत्यनारायण वैष्णव की रिपोर्ट।